सत्तीघाटा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक पंडित प्रदीप अत्रे संटी ने कहा कि जब धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई, चारों ओर अत्याचार अनाचार का साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के आठवें गर्भ के रूप में जन्म लेकर कंस का संहार किया। कथा के दौरान जैसे भगवान का जन्म हुआ तो पूरा मंदिर परिसर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण की वेश में 6 माह के नन्हे बालक सुदर्शन पिता गोपाल राठौर के दर्शन करने के लिए लोग लालायित नजर आ रहे थे। भगवान के जन्म की खुशी पर महिलाओं द्वारा अपने घरों से लगाए गए पकवानों का भगवान को भोग लगाया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन किया। भगवान नागेश्वर पर से डोले निकाले गए हैं। पहला राधा कृष्ण मंदिर, दूसरा है सत्यनारायण भगवान मंदिर, तीसरा राधा कृष्ण मंदिर, तीनों डोले ब्राह्मण के लिए निकाले गए। बड़वा से रफी मुंडा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।